वेलकम टू प्रीतीज हेयर एंड ब्यूटी केयर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको जो ये विंटर में स्प्लिटेंट्स और फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती है हेयर में, उसे आप डीप कंडीशनिंग के द्वारा, हेयर स्पा के द्वारा, होममेड हेयर स्पा उसके द्वारा आप कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करोगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको फ्लैक्सीड ऑयल कैसे बनाकर, जेल बनाकर, ऑयल बनाकर उसे अपने हेयर को ठीक करना है। तो देखिए, ये है फ्लैक्स सीड ऑयल मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच फ्लैक्सीड लेकर, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, और उसे आधी से पौन कटोरी पानी लेकर गैस पे चढ़ा दीजिएगा। 10 मिनट तक उसे बराबर हिलाते रहिए और 10 से 12 मिनट में आप देखिएगा कि एक जेल सी उसकी कंसिस्टेंसी हो गई। उसके बाद आप उसे तुरंत स्टील वाले चालनी से, प्लास्टिक वाले अपने चाय की चालनी से मत छानना, स्टील वाले चालनी से छानकर और उसमें नारियल तेल 2 चम्मच, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच ग्लिसरिन मिक्स करके, हाँ इस तरह से आप इसमें अच्छे से मिक्स कीजिए और देखिए कैसे जेल जैसी इसकी टेंडेंसी है। देखिए इस तरह से ये जेल के फॉर्म में हो गया, फ्लैक्सीड जो है ना वो जेल की तरह बन जाता है। तो आप फ्लैक्सीड जेल बनाकर उसमें नारियल तेल, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरिन मिक्स कीजिए, तीनों चीज़ अच्छे से, और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए पूरे अच्छे से स्टर करके, और फिर आप इसको अच्छे से हेयर में अप्लाई कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे हेयर में अप्लाई कैसे करना है। एकदम अच्छे से आप तरीके से अगर अप्लाई करोगे ना, तो आपके हेयर एकदम स्मूथ एंड स्ट्रेट हो जाएंगे एंड आपको कभी भी वो केमिकल ट्रीटमेंट देने की हेयर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत मैनेजेबल हो जाएंगे और आप इसे लगाकर बहुत अमेज्ड हो जाओगे। तो देखिए आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले अपने हेयर को डिटेंगल कर लीजिए, पूरा अच्छे से सुलझा लीजिए। उसके बाद बीच पार्टिंग करके आप हेयर को 2 भाग में करके, और एक साइड आप एक क्लचर लगा के उसको टाई कर लीजिए हाफ साइड को। मेरा ये रोज का प्रैक्टिस है इसलिए मैं उस तरह से नहीं कर रही हूँ, पर आप हाफ अलग अलग करके एक साइड से क्लचर लगा लो और फिर हाफ साइड्स का शुरू करो। देखिए ये 2 पार्ट मैंने इस तरह से किया हुआ है, ये इधर का और एक इधर का। अगर आप एक तरफ कोई रबर बैंड भी लगा लो तो बहुत इजीली आपका लग जाएगा। इस तरह से आप देखिए एकदम ऊपर से शुरू करके और पूरा पीछे तक जाइए, बैक तक, बहुत आराम से आपका लग जाएगा। इसलिए मैं अपना लगा रही हूँ ताकि दिखाऊं कि आप खुद से अपना केयर कैसे कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप अपनी केयर करोगे, अच्छे से ऑयलिंग करोगे और बहुत अच्छा ये ऑयल बनकर रेडी हुआ है, बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। आप आराम से बैठकर, इसीलिए मैंने कहा 15 मिनट्स आप टाइम दो, इस तरह से आप अच्छे से ऑयलिंग करो, छोटा छोटा पार्ट करके और पूरा फर्स्ट, मतलब शुरू से शुरू करके और पूरा बैक तक जाओ, बहुत इजीली पूरा बैक तक लग जाएगा ये। इस तरह से पार्टिंग करते जाओ और एक लाइन से पूरा नीचे पीछे तक लगता चला जाएगा और बहुत अच्छे से लगेगा। इस तरह से ये आपको लगाते जाना है और इसे फिर 2 से 3 घंटा अपने हेयर में रखना है। 1-1.5 घंटे के बाद आप क्या करना, गरम टॉवल को पानी में, गरम पानी में डिप करके और फिर उसे निचोड़ लो और पूरा रैप कर लो। एक स्टीम वाला कैप भी आता है स्टीम देने का, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, पर नहीं है तो आप जनरल कोई भी मोटे वाले टॉवल से आप स्टीम दे सकते हो। बस वो लपेट के बाल में छोड़ दो 2-3 बार, मतलब टॉवल को चेंज करते जाओ। 5 मिनट लगा के छोड़ दिया, फिर वापस से पानी में डिप किया, फिर वापस से लगाया। देखिए ये देखिए मैंने कैस नीचे तक पूरे लेंथ में लगा रही हूँ। आपको कभी भी स्प्लिटेंट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लगाना, हाथ में अपने हेयर के एंड को पकड़कर वहाँ भी अच्छे से लगाइए इस तरह से, और फिर हल्के हल्के हाथों से फिंगर से बस मसाज करना है और पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई कर लेना। अब फिर इस पार्ट में आप वो रबर खोल लो और आप इधर एक रबर लगा लो
और इजीली आप इस पार्ट को कर लो। इस तरह से दो पार्ट में करके करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए ये कैसे पीछे तक मैं लगा रही हूँ, एकदम फर्स्ट एंड से शुरू करके लास्ट एंड तक आप बड़े आराम से इस तरह से लगा लोगे। और बिल्कुल भी देखिए आपका वो नहीं हो रहा है कि बहुत विग्रेसली मसाज हो रहा है। और आप बोलते हो ना कि हेयर ऑयलिंग करने से और ज़्यादा बाल झड़ते हैं, वो कभी नहीं होगा, वो आप सही प्रोसीजर नहीं है लगाने का, इसलिए होता है। अगर आप इस तरह से धीरे 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 लगा लोगे और फिर फिंगर टिप से बस जेंटल एक मसाज दोगे तो बहुत अच्छा ऑयलिंग हो जाएगा। आप एकदम स्टीम दे दो उसके बाद, तो ऑयल जो है वो रूट के अंदर चला जाएगा और आपके स्कैल्प जो है वो हेल्दी हो जाएंगे। ये होता है एक नेचुरल स्पा, जो आप हजारों रुपए लगाकर पार्लर में स्पा कराते हो वो कुछ नहीं है। आप खुद से भी अपनी केयर कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये देखो मैं अपने टेरेस पर बैठकर आराम से धूप में लगा रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 15 मिनट्स धूप में बैठे हैं और ऑयलिंग भी हो गई, धूप भी लग गया, और ज़रूरी भी है विंटर में धूप में बैठना। तो इस तरह से देखिए पूरा एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक मैं लगा रही हूँ और कोई भी पार्ट पूरे स्कैल्प में कहीं भी खाली नहीं है। एक लाइन से मैं लगाती गई आगे से लेकर पीछे तक, और सब तरफ देखिए साइड में भी लग गया अच्छे से। इस तरह से बहुत बड़े आराम से आप बैठ के धीरे 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 लगाओ। देखो कैसे फिंगर टिप से मैं मसाज कर रही हूँ, देखिए एकदम फिंगर टिप से इस तरह से हल्के हल्के मसाज करना है। बिल्कुल भी आप रगड़ोगे नहीं ना तो कभी भी हेयर फॉल नहीं का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ये देखिए ऐसे हाथ में बाल लेकर और पूरा ऐसे नीचे नीचे अच्छे से लगा लो पूरा एंड तक। मतलब पहले आपके स्कैल्प में लग गया तो वो रूट में लग गया, अब आप ये हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर ले रहे हो। और इस तरह से पूरा अच्छे से अब जब आप ऑयल अप्लाई कर लोगे ना तो कभी भी आपको ड्राइनेस, इचीनेस, डैंड्रफ ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो कभी भी हेयर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। देखिए ऐसे फिंगर से मसाज हो रहा है, कुछ नहीं, जस्ट एकदम सिंपल वे में खाली एक एक उसको गर्म गर्मी दी जा रही है। देखिए एकदम हल्के हाथों से सिर्फ फिंगर टिप से जस्ट एक सॉफ्ट मसाज हो रहा है। और उसके बाद क्या कीजिए, ये मोटा कोम्ब लेकर और पूरे अच्छे से आप कोम्ब कर लीजिए, तो ब्लड सर्कुलेशन भी होगा कोम्ब के थ्रू आपके स्कैल्प में, प्लस इवन हो जाएगा। ऑयल कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा ना तो वो इकसार हो जाएगा एकदम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो आप पतला वाला कोम्ब मत लीजिएगा, ये मोटा वाला कोम्ब लीजिएगा। और इस तरह से देखिए अच्छे से आप लगा लीजिए। बस इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है, आप स्टीम दीजिए एक घंटे के बाद और फिर एक घंटे और लगा रहने दीजिए। इस तरह से 2 से 3 घंटा लगा रहने दीजिए और उसके बाद आप अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए। आपको कोई भी कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है, आप इसके बाद कोई कंडीशनर मत लगाइए, ये आपकी कंडीशनिंग हो गई। जस्ट आप वॉश कीजिए और फिर आप डिफरेंस देखिए और मुझसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए बस ये हो गया ऑयलिंग। अब आप क्या करो, हाथ धोकर ये ऑयल जो मैंने बनाया, ये तो आपका हेयर में लग गया, हाथ गंदे हो गए थे, ये आप फ्रेश एक अलग से भी रख लो और इस तरह से हाथ में लगाकर आप पूरे स्किन पर मसाज कर सकते हो। क्योंकि फ्लैक्सीड जो है ना वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसमें, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल है और कैस्टर ऑयल है, ये तीनों ही चीज़, और ग्लिसरिन, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड ग्लिसरिन, ये तीनों ही आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत वर्क करेगा। तो विंटर में जो आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम आता है ये कभी नहीं होगा अगर आप इस तरह से इसे अप्लाई करते रहोगे। पूरे घर वाले लोग लगाओ, एक हफ्ता बना लो, पूरे फैमिली में सब लोग लगाओ। देखो अच्छे से मैंने पूरे जगह लगाया है, ये हो गया। मैं कानों में भी लगा लिया क्योंकि अब सब जगह ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छे से ऑयलिंग करके आप रिलैक्स करो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से कोई शिकायत नहीं होगी। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।